हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेंद्र राजावत श्री जम्वाई इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे 6, 7, 8, 9 और 10 के रूल्स क्या है डिविजिबिलिटी के, जिससे कि हम ये देख के पता कर लें कि कोई भी नंबर किसी दिए हुए नंबर यानी कि इन नंबर से डिविजिबल है, यानी कि भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं रूल ऑफ सिक्स। रूल ऑफ सिक्स क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 हो एंड डिविजिबल बाय 3 हो, यानी कि 2 और 3 दोनों से, बोथ, अगर दोनों से कोई नंबर डिविजिबल है तो हम बोल देंगे कि वो जो नंबर है वो क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। अब 2 के लिए कैसे चेक करते हैं, 3 के लिए कैसे चेक करते हैं, ये मैंने पार्ट 1 में कवर कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि 2 के लिए वो नंबर इवन होना चाहिए अर्थात सम होना चाहिए, और 3 के लिए उन सभी नंबर्स, उस नंबर के सभी डिजिट्स का जो सम है, योग है, वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। तो हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये नंबर इवन है, क्यों, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे, इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से इस नंबर के सम ऑफ डिजिट्स निकाले, इसके अंकों का योग करके देखें तो वो कितना आ रहा है देखते हैं। देखो, मैं 1 प्लस 5, 1 प्लस 4, 5, 5 प्लस 5, 10, 10 प्लस 8, 18, यानी सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल 18, और ये 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा 18। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारे पास, ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 6 होगा। तो 6 का रूल समझ में आ गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि क्या 4, 6, 4, 0, 1, 2 डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 6, क्या इन चारों से डिविजिबल है, ये हमें चेक करना है। तो हम यहाँ इसको चेक करके देख लेते हैं। देखो, तो 2 से कैसे चेक करेंगे कि लास्ट का डिजिट देखना है, अगर ये नंबर इवन है यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई आ रहा है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर इवन है, नंबर इवन होने की वजह से यानी कि सम होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 2 तो होगा। अब 3 के लिए चेक करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं तो ये आ रहा है 10 प्लस 4 14 प्लस 4 18 18 प्लस 0 18 प्लस 19 प्लस 2 21, तो इनका जो सम आ रहा था डिजिट्स का सम यानी योग, वो कितना आ रहा है, 21, जो कि कितने, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब 4 के लिए कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है केवल, लास्ट के 2 डिजिट्स है 12, क्या 12 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल हो रहा है 12, इसका मतलब है कि ये नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। मैं जो राइट का टिक लगा रहा हूँ इसका मतलब है वो डिविजिबल है। और 6 के लिए चेक करके देखना है तो क्या करना है, ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर यस या नो में देना है, हाँ ये चारों से डिविजिबल होगा। अब है रूल ऑफ 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग टाइप का रूल है। तो देखो, इसके लिए क्या करते हैं, किसी भी नंबर के लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट का डिजिट कौन सा है, जो राइट साइड वाला डिजिट होगा, यानी इकाई का अंक जो होगा वंस डिजिट, उसका ट्वाइस करके जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि बाकी का जो नंबर बच गया, अभी एग्जांपल को देखते हैं उससे समझ में आ जाएगा, बाकी का जो बचा हुआ नंबर है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर जो आंसर मिलेगा वो अगर 7 का मल्टीपल आ रहा है तो हम बोल देंगे कि वो 7 से डिविजिबल है, अगर 7 का मल्टीपल नहीं है यानी कि गुणज नहीं है तो वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको देखो, एग्जाम्पल को करते हैं, फिर वापस मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, एग्जाम्पल है 483, इसके अंदर क्या होगा कि इसका जो वंस प्लेस वाला डिजिट है इसका ट्वाइस करना है, वो कितना आ रहा है, 6, और 6 को बाकी का बचा हुआ पार्ट, 48 है, 48 में से 6 माइनस करेंगे, ये आ रहा है 42।
इसके बाद में वापस से रिपीट कर सकते हो या इसी को देख सकते हो। 42 क्या होता है, 7 से डिविजिबल है। एक बार वापस और कर लेते हैं स्टेप कि 2 का डबल किया ट्वाइस और बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या है, 4। 4 में से 4 माइनस किया 0 आ गया। तो क्या 0 में 7 से डिवाइड कर सकते हैं 0 को हम? हाँ, 0 को हम 0 टाइम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है ये जो नंबर है ये भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 7। यही लिखा है, देखो हमने सबसे पहले वंस वाला डिजिट का ट्वाइस किया, फिर जो बाकी का पार्ट था रेस्ट पार्ट ऑफ नंबर यानी संख्या का शेष भाग से में से उसको घटा दिया, और उसके बाद में हमने चेक किया कि मल्टीपल यानी कि 0, 7, 14 या -7 या -14 इनमें से अगर कोई बन रहा है लास्ट के अंदर उसको डिवाइड करके देखा, वो अगर यस हो रहा था डिवाइड तो हमने बोल दिया कि वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा, वरना वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये चीज़ समझ में आ गई, इसको एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। सेवन के रूल पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हमें चेक करके बताना है 364 और 3954909 ये दोनों 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। देखो 364 को चेक करते हैं तो क्या करना है, वंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है यानी कि इकाई अंक पे जो अंक वो आ रहा है उसका ट्वाइस किया 8 आया, और बाकी का बचा हुआ पार्ट है 36 इसमें से क्या कर दिया, उस वाले नंबर को माइनस कर दिया, तो ये आएगा 28। फिर वापस से करके देख सकते हो या 28 ही क्या होता है, 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से एक और दिया हुआ है 54909, इसके लिए भी करते हैं तो सेम काम इसके लिए करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो 9 का डबल करेंगे तो ये आएगा 18, बाकी के बचे हुए पार्ट इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 19 में से 18 माइनस करेंगे तो 72 बच जाएगा। तो अब हमारे पास नया नंबर क्या मिल गया, ये मिल गया। अब फिर से वही रिपीट करेंगे, 2 को डबल करेंगे ट्वाइस हो गया, और बाकी का बचा हुआ पार्ट कौन सा है, ये तो 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, तो ये कितना बच गया, इतना। फिर वापस से इसका डबल करेंगे तो 3 का डबल हो गया 6, बाकी के बचे हुए पार्ट इसमें से 6 को माइनस करेंगे तो 54 में से 6 माइनस किया 48 आ गया। फिर से वापस करेंगे कि 8 का डबल करेंगे तो 8 का डबल कितना हो गया, 16 हो गया, तो बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या है, ये इसमें से इसको 16 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा, 94 में से 16 माइनस करेंगे तो 14 माइनस करेंगे तो 80 हो गया, और 2 और माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 78। तो ये कितना मिल गया हमारे को, 378। फिर से वापस वो करेंगे 8 का डबल करेंगे ट्वाइस 16 हो रहा है, और 16 को 37 में से माइनस करेंगे तो 37 माइनस 16 किया तो 21। जो 21 है वो क्या होता है, 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो इसको करने का ये तरीका है, जल्दी से इसको भी नोट कर लो। अब हम देखते हैं रूल नंबर 8, रूल फॉर एट के लिए क्या रूल होता है। जैसे 1 के लिए, 2 के लिए क्या रूल था कि लास्ट के डिजिट को देख के ही पता चल जाता था कि वो नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा 2 से। 4 के लिए क्या करते थे, लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करके देखते थे। सेम 8 के लिए क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, यानी कि अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है तो लास्ट के 3 नंबर क्या है, 032 है, तो ये जो 32 बन रहा है 032 ये क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 8 होगा। इसको करने का एक तरीका और है, हम क्या करेंगे, हंड्रेड्स प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है यानी कि जो सैकड़े वाला अंक है उसको देखेंगे, अगर सैकड़े वाला अंक सम है तो हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स को ही डिवाइड करके देखना है। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स डिवाइड हो रहे हैं तो हम बोल देंगे कि पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। और अगर जो लास्ट का 100 प्लेस वाला डिजिट है वो क्या है, ओड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा उस नंबर में 4 प्लस करके फिर देखेंगे 8 से डिविजिबल है या नहीं है। दोनों एग्जांपल्स को करते हैं। देखो उसने क्या बोला, अगर नंबर इवन है 100 प्लस का तो ये क्या है, इवन है यानी कि विषम है, सम है, तो हम क्या करेंगे,
लास्ट के दो डिजिट्स को ही डिवाइड करके देखेंगे 8 से, जो कि डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। अब है अगर जो हंड्रेड्स प्लेस है यानी कि सैकड़े वाला अंक है उसके ऊपर ओड आ जाए, तो देखो इस वाले एग्जांपल में यहाँ क्या आ रहा है, ये ओड है यानी कि विषम आ रहा है, तो इस वाले केस में क्या करेंगे, लास्ट के टू डिजिट्स के अंदर जो से जो नंबर बनेगा उसके अंदर प्लस 4 करके देखो 56 आ रहा है, और 56 को क्या करो फिर 8 से डिवाइड करके देखो, जो कि डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो ये भी 8 का रूल है, ये भी नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं रूल ऑफ 9 क्या है। रूल ऑफ 9 सिमिलर टू 3 है, तीन का जैसा है। इसमें क्या करेंगे, हम सभी डिजिट्स का सम निकालेंगे, अगर उनका सम क्या हो डिविजिबल बाय 9 हो तो हम बोलेंगे कि वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं इसका क्या होता है। देखो इसके सभी डिजिट्स का सम निकालते हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं, यानी अंकों का योग क्या है वो एक बार देख लेते हैं, फिर उसको डिवाइड करके देखेंगे 9 से। अगर 9 से डिविजिबल है वो उनका सम, तो हम बोल देंगे कि ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो देखो 8 8 8, ये तो 24 हो गया, और 25 और 27, तो इनका सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है 27, विच इज डिविजिबल बाय 9, जो कि 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 9 होगा। तो यहाँ देखो अब लास्ट बचा है हमारा आज के पार्ट 2 का रूल ऑफ 10। तो रूल ऑफ 10 बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि अगर लास्ट का डिजिट यानी कि वंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है, इकाई अंक पे जो डिजिट आ रहा है वो क्या हो, 0 है, तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा, मतलब उसमें 10 का भाग जाएगा, वरना 10 का भाग नहीं जाएगा। तो देखो इसका वंस डिजिट क्या है, 0 है, तो ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा, क्योंकि वंस डिजिट क्या है, 0 है दोनों के अंदर। लेकिन ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसका वंस डिजिट 0 नहीं है। तो पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, 11 से लेके 15 तक के नंबर्स के रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी वाले रूल्स को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।